उस अग्नि का किस लिए उपयोग करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भूर्भुवः स्वरित्यस्य प्रजापतिर ऋषिः अग्निर्वायु सूर्या देवता देवी बृहति छन्दः द्योरीवेत्यस्य निचृत बृहति छन्दः उभयत्र मध्यमा स्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरीव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्याद्यायादधे। हे मनुष्य लोगों, तुम ईश्वर से तीन लोकों की उपकार करने और अपनी व्याप्ति से सूर्य प्रकाश के समान और उत्तम उत्तम गुणों से पृथ्वी के समान अपनी अपनी लोकों में निकट रहने वाले रचे हुए इस अग्नि को कार्य की सिद्धि के लिए यत्न के साथ उपयोग करो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देव विद्वान लोग जहां यज्ञ करते हैं उस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी लोक के भीतर, अंतरिक्ष लोक में और सूर्य लोक में यज्ञ की अग्नि का विस्तार होता है। अब वह अग्नि के निमित्त से पृथ्वी का भ्रमण होता है, इस विषय को अगले मंत्र में प्रकाशित किया है।